अभी हम तो हमारे डब्बे में ही नहीं ठंडे दे रहे हैं, इतनी भीड़ है और एक बार घुस जाएंगे तो हम निकल नहीं पाएंगे। तो अभी हम यहाँ से प्लेन चेंज करते हैं। अभी ये ट्रेन तो हम छोड़ने वाले हैं, जो हमारी ट्रेन की टिकट थी, तो अभी उसमें तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से। तो ये गोधरा वही स्टेशन है जहाँ पे सन 2002 27 फरवरी की मॉर्निंग पे अग्निकांड हुआ था। दोस्तों इतनी भीड़ थी, एसी क्लास में मैंने आज तक नहीं देखी। एसी क्लास भी पूरा फुल चालू की तरह है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो स्लीपर क्लास में स्लीपर फुल चालू की तरह है। और यहाँ पे एक बहुत गजब चीज़ है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इसके बाजू में प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिक्योर कैम में। दोस्तों आज हम चल रहे हैं एक नई जर्नी पे, जो आज की हमारी जर्नी होगी सूरत से लेके वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी की जर्नी होगी। दोस्तों जो आज की हमारी ट्रेन होगी झांसी वीरांगना लक्ष्मी बाई जो चलती है बांद्रा से होके वीरांगना लक्ष्मी बाई के बीच में, तो हमारी ट्रेन भी आएगी समथिंग 9 बजे के आसपास सूरत स्टेशन पर। आधा घंटा डिले चल रही है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से सूरत से वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी के सफर में, एक नए सफर में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों ये सफ़र समथिंग 1500 किलोमीटर का होता है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से सूरत से सफर में। दोस्तों जो हमारा जो आज की ट्रेन होगी वो सूरत से होगी। और दोस्तों एक प्रॉब्लम और होगी हमारे साथ, ये प्रॉब्लम हो गई कि हमने जो टिकट की थी वो अभी वेटिंग पे हो गई है, तो अभी कंफर्म सीट नहीं हुई है। तो अभी देखते हैं कैसे सफ़र करते हैं। जैसा भी होगा दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे कैसे सफ़र करेंगे। तो हम चलते हैं सूरत से वीरांगना बाई लक्ष्मी बाई की जर्नी पर। दोस्तों अभी ट्रेन आधा घंटा डिले है, तो अभी समथिंग आने में 9 बज जाएगी ट्रेन को, तो अभी हम जल्दी आ गए हैं स्टेशन पर। तो हम वेट करेंगे, आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है, तो हम चलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन फाइनली आ चुकी है। दोस्तों हम फाइनली सूरत को डिपार्ट करते हुए यहाँ से, और यहाँ से निर्धारित टाइम से 15 मिनट डिले चल रही है अभी ट्रेन हमारी। तो हम फाइनली इस बस से डिपार्ट होते हुए से यहाँ पे अभी तापी रिवर पे रोकी हुई थी गाड़ी।
ये ट्रेन में फुल भीड़ है, तो अभी हमको भी जो हमारी भी टिकट थी वो वेटिंग की थी, कंफर्म नहीं हो पाई, तो अभी हमने इस प्रकार से हमने देख सकते हो उसको ए सीट हमने अभी बुक की है। हम अभी भरूच पहुँच चुके हैं और हमारी ट्रेन केवल 36 मिनट डिले चल रही थी, जो कि सूरत से अभी सिग्नल भी हो गया है, 2 मिनट का होल्ड था यहाँ पर, तो अभी हम चलते हैं भरूच से, भरूच को डिपार्च करते हुए आगे की तरफ बड़ौदा स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन आएगा हमारा बड़ौदा। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं बड़ौदा, और बड़ौदा अपने निर्धारित टाइम से 22 मिनट डिले चल रही है, तो बड़ौदा में भी देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है अभी, और अच्छी खासी यहाँ से भी भीड़ जाने वाली है। अभी सीजन का टाइम चल रहा है, से बड़ौदा जंक्शन है। अब यहाँ से 2 रूट निकलते हैं, एक अहमदाबाद की तरफ निकलता है, एक गोधरा दाऊद की तरफ। अभी हम यहाँ से हमको जो दूसरा स्टेशन पड़ेगा वो दाऊद पड़ेगा, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं बड़ौदा से दाऊद की तरफ अपना, और हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुके हैं, और यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड है, यहाँ पर 10 मिनट के होल्ड के बाद हमारी गाड़ी डिपार्च होगी, ट्रेन डिपार्च होगी, तो अभी हम चलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। दोस्तों हम फाइनली बड़ौदा पर डिपार्च करते हुए अब यहाँ से हम चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, और यहाँ पे समथिंग 20 मिनट की होल्डिंग हो गई, क्योंकि चेन पुलिंग भी हो गया था कुछ देर पहले अभी, तो इसके कारण से भी यहाँ पे डिले हो गया, 11:30 हो गया अभी यहाँ से, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ। दोस्तों ये रहा क्रॉसिंग, ये अहमदाबाद की क्रॉसिंग है, और हम यहाँ से गोधरा की तरफ निकल रहे हैं अभी, और ये सामने अहमदाबाद सीधा निकल जाएगा, और भी आगे इसमें रेड है, इसकी वजह से और भी कुछ गाड़ियों की क्रॉसिंग होगी, तो उसकी वजह से रुकी गई गाड़ी हमारी। दोस्तों हम फाइनली गोधरा पहुंच चुके हैं, और हमारी ट्रेन एग्जैक्ट 50 मिनट लेट चल रही है अपने निर्धारित टाइम से। दोस्तों ये गोधरा वही स्टेशन है जहाँ पे सन 2002 27 फरवरी की मॉर्निंग पे अग्निकांड हुआ था साबरमती एक्सप्रेस में, और अभी काफ़ी अच्छा स्टेशन है, थोड़ा छोटा स्टेशन है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अपने अगले नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, और हमारा डब्बा आगे होने के कारण तो हम स्टेशन के एकदम आगे ही आ जाते हैं, तो हमें स्टेशन का सेंटर तो बिल्कुल दिखता नहीं है, और गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ने लगी है। दोस्तों गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, गर्मी ज़बरदस्त गर्मी पड़ने लगी है अभी, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आके खड़ी है, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। काल की नगरी में पहुंचते हुए उज्जैन, और हमारी ट्रेन यहाँ से 15 मिनट डिले चल रही है काल की नगरी को डिपार्ट करते हुए, और महाकाल का दूर से आशीर्वाद देते हुए हम चलते हैं यहाँ से अपने अगले सफर पे आगे की तरफ, और ये सामने
WFU 7 जनरेशन वहाँ लोकोमोटिव। स्टेशन पर ही साइकिल चला दिया अच्छा ने। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली गुना, और दोस्तों हमारी ट्रेन अभी निर्धारित टाइम से 20 मिनट अर्ली आ गई है गुना, और यहाँ पे 10 मिनट का होल्ड भी है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं अभी, और इसके बाद फिर बड़ा स्टेशन कोई नहीं पड़ेगा, इसके बाद सीधा बड़ा स्टेशन पड़ेगा ग्वालियर। तो अभी हम यहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद हम चले कि अपने ट्रेन पर 10 से 20 मिनट का होल्ड है। यहाँ पे 20 मिनट पहले आ गई है, तो 10 मिनट और होल्ड है, समझिंग आधे घंटे से गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी रहेगी। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, देखते हैं अभी नाश्ता वास्ता कुछ मिलता है तो हम नाश्ता करके फिर निकलेंगे। दोस्तों पोहा लिया, तो पोहा ट्राई करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो स्लीपर क्लास में स्लीपर फुल चालू की तरह है, स्लीपर क्लास में पूरी फुल भीड़ है, लोगों को घुसने की जगह तक नहीं है, ऐसी भीड़ है यहाँ पर। सीजन का टाइम ऐसा चल रहा है अभी। दोस्तों इतनी भीड़ थी एसी क्लास में मैंने आज तक नहीं देखी, एसी क्लास भी पूरा फुल चालू की तरह है। दोस्तों पिछले 1.5 घंटे से हमारी गाड़ी गुना में खड़ी है, और कम से कम 3 से 4 क्रॉसिंग हो चुका है, और एक क्रॉसिंग अभी सामने हो रही है, और अभी दूसरी क्रॉसिंग भी, अभी देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। ट्रेन यहाँ से भी 1.5 घंटे के बाद डिपार्चर होगी, तो हम चलते हैं यहाँ से अपने अगले नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। हमारा अगला जो नेक्स्ट स्टेशन होगा दोस्तों, हमारा जो अगला नेक्स्ट स्टेशन होगा वो शिवपुरी होगा, शिवपुरी के पास बड़ा स्टेशन ग्वालियर। तो हम वेट करते हैं, ग्वालियर में मिलेंगे आपको, तो हम चलते हैं फिर यहाँ से सोने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली झांसी, और दोस्तों झांसी हम ये ट्रेन की निर्धारित टाइम से आधा घंटा लेट है, अभी 5:30 बज रहे, 5 बजे का डिपार्चर था यहाँ पे, ड्रॉप था, और लेकिन हम वहाँ पे नहीं पहुंच पाए अभी 5 बजे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अपने दूसरी ट्रेन पकड़ने, तो अभी हम प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, अभी यहाँ से हम दूसरी प्लेटफॉर्म से अभी देखते हैं प्लेटफॉर्म पर ये कौन सा है, हम यहाँ से भी चेक करके निकलेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। दोस्तों अभी वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो अभी मैं इधर ही आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ पे एक बहुत गजब चीज़ है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इसके बाजू में प्लेटफॉर्म नंबर 7 है, और आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, अगर इसके सीधे ही निकल जाओ तो यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 भी मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और बहुत ही अजीब गजीब स्टेशन है ये, अगर स्टेशन ढूंढना चाहोगे तो स्टेशन ढूंढते ही रह जाओगे। तो अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ। दोस्तों देख सकते हो आप, ये बाजू में 7 नंबर और ये भी 1 नंबर, तो भी प्लेटफॉर्म नंबर
6 पे हमारी गाड़ी आने वाली है, तो सीधी यहाँ से नंबर 7 अभी यहाँ पे ख़त्म होता है और ये एक अभी यहाँ से चालू ही है और बीच में कैंटीन है, वो भी हम चलते हैं फिर नंबर 6 की तरफ, देखते हैं 6 भी उसी तरफ होगा आगे तरफ। ये अपना प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है यहाँ पे और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इधर ही इस साइड आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। दोस्तों इधर अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहाँ सामने प्लेटफॉर्म नंबर 6 और ये हमारी गाड़ी लगी है, तो अभी हम चलते हैं देखते हैं। ये गाड़ी में भीड़ है अभी, तो हम ट्राई करते हैं अपने सीट का। दोस्तों ये रहा हमारा डब्बा और अभी हम तो हमारे डब्बे में ही नहीं ठंडे दे रहे हैं, इतनी भीड़ है और एक बार घुस जाएंगे तो हम निकल नहीं पाएंगे, तो अभी हम यहाँ से प्लेन चेंज करते हैं, तो अभी हम यहाँ से प्लेन चेंज करते हैं, देखते हैं यहाँ से बस से चलेंगे, बस से नहीं तो फिर हम और कोई साधन करेंगे यहाँ से, नहीं तो हम दूसरी ट्रेन का वेट करेंगे। अभी ये ट्रेन तो हम छोड़ने वाले हैं जो हमारी ट्रेन की टिकट थी, तो अभी इसमें तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ से अगर दूसरा कोई जुगाड़ करते हैं तो आपको बताते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बस डिपो की तरफ, हमें यहाँ से कोई ट्रेन ना मिलने का हम स्टेशन से ऑटो करके हम पहुँच जाते हैं बस डिपो की तरफ जो कि स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अभी हम चलते हैं बस डिपो की तरफ, देखते हैं हमें वहाँ से कोई बस मिल जाएगी बांदा के लिए तो हम सफ़र करेंगे और ना फिर कोई और रास्ता देखेंगे, हम पहुँचते पहले बस डिपो के पास। जा रहे क्या? बांदा जाना है, बांदा तैयार हो जाओ, भैया लोगों को लेके आ रहे हैं, ठीक है। बस डिपो के पास से हमें कोई बस नहीं मिलती वहाँ से बांदा के लिए, जो बस होती है शाम को होती है तो हम इतना वेट नहीं कर सकते, तो हम इसीलिए हम सफ़र करेंगे यहाँ से प्राइवेट कैब में और हम यहाँ से प्राइवेट कैब लेके हम चलेंगे यहाँ से बांदा के लिए। 210 किलोमीटर का सफ़र होगा हमारा बाई रोड, तो हम चलते हैं बाई रोड यहाँ से झांसी से बांदा की तरफ। घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली बांदा सिटी में एंटर करते हुए दोस्तों हम फाइनली बांदा पहुंच चुके हैं और अभी हम चलते हैं आज अपने घर की तरफ। आज का ब्लॉग हमारा यही था, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।